हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज मैगीराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द क्वार्क थ्योरी। क्वार्क थ्योरी, क्वार्क क्या है? सबसे पहली चीज तो ये जान लें, क्वार्क तो क्वार्क वे पदार्थ हैं जो बहुत ही सूक्ष्म द्रव्यमान होता है, जिन पर और कहां नाभिक पर पाए जाते हैं। क्वार्क वे पदार्थ हैं जिनका द्रव्यमान अति सूक्ष्म होता है तथा नाभिक में उपस्थित होते हैं, क्वार्क कहलाते हैं। अब ये क्वार्क हैं क्या, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनको भी याद करने की एक ट्रिक है, देखिएगा, ये है इसका मतलब है टप्पू चाचा आप और संता बनता डाउन। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, टप्पू चाचा आप संता बनता डाउन। इसका मतलब है टॉप, इसका मतलब है चार्म और ये अप है, इसका मतलब है स्ट्रेंज, इसका मतलब है बॉटम और इसका ये डाउन ही है। ध्यान रखिएगा, इनका ये मत सोचिएगा कि इनका कुछ अर्थ होगा, ये नाम ही ऐसे ही है। ओके, तो नाम की हिंदी नहीं ढूंढते। जैसे किसी क्रिकेटर का नाम है डब्ल्यू सी डगलस, तो ऐसा नहीं कि डब्ल्यू सी डगलस का उसका हिंदी अर्थ क्या होगा। जॉर्ज विलियम्स तो क्या मतलब होगा, जॉर्ज का विलियम्स का क्या होगा, ऐसा नहीं। ये नाम ही है इनके, टॉप चार्म अप स्ट्रेंज बॉटम एंड डाउन। और खासकर आपको इन दोनों की बहुत जरूरत होगी, अप एंड डाउन की। तो ध्यान रखिएगा, टप्पू चाचा अप ये प्लस 2/3 आवेश रखते हैं और ये माइनस 1/3 आवेश रखते हैं। खासकर चाहे वो ये हो, टी हो, चाहे सी हो, चाहे आपको प्रत्येक में 2/3 ई आवेश और स्ट्रेंज बॉटम डाउन प्रत्येक में माइनस 1/3 ई आवेश होता है। तो ये प्रोसेस है इसको याद करने की। क्वार्क वे पदार्थ होते हैं जो नाभिक में पाए जाते हैं तथा इनका द्रव्यमान अति सूक्ष्म होता है। क्लियर? तो इन्हीं से मिलकर के जो हम फंडामेंटल पार्टिकल यानी मौलिक कण तैयार किए जाते हैं, वो इन्हीं से मिलकर के तैयार होते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं, इस तरीके से ये डेवलप होंगे। तो ये जैसे कोई परमाणु है और परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहली चीज की ये जो क्वार्क है ये नाभिक में पाए जाते थे, तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर तैयार हुए हैं। ओके, तो चेक करते हैं, देखिएगा प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 2 अप एंड 1 डाउन से मिलकर बना होता है प्रोटॉन। तो Q प्रोटॉन का हो जाएगा 2 अप का है 2/3 e और डाउन का है -1/3 e। तो ये 4e/3 माइनस e/3, तो ये 3e/3, ये आ जाएगा प्लस का 1e। तो आपको पता है प्रोटॉन पर प्लस का 1e आवेश होता है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन पर होता है 1 अप एंड 2 डाउन, इनसे मिलकर के बना होता है। तो 1 अप का चार्ज 2/3 e प्लस का है, प्लस 2 डाउन का चार्ज 1/3, तो ये हो जाएगा 2e/3 माइनस 2e/3, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन पर आवेश 0। क्लियर? अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट पर कि कैसे इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश डेवलप होता है। तो देखिएगा, ये था नाभिक और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल Q प्रोटॉन का और Q न्यूट्रॉन का प्लस 1e प्लस 0 प्लस का 1e, ठीक है। और ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन संतुलित रहता है, कैसे ये संतुलित रहता है, संतुलित रहता है किससे, प्रबल वैद्युतीय आकर्षण पर, वैद्युतीय आकर्षण बल इससे संतुलित रहता है, वैद्युत आकर्षण बल से और संतुलित रहता है। तो देखिएगा, संतुलन का मतलब है कि जितने परिमाण में यहां पर आवेश हो उतना ही परिमाण का सतह पर होगा। तो यहां परिमाण कितना है 1e,
तो इस पर कितना होगा, वन की परिमाण तो होना ही होना है। अब इसका चिन्ह कैसा होगा, तो ये आकर्षण शब्द बता रहा है कि आकर्षण तभी होता है जब आवेश कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कैसा आवेश होगा, माइनस। इस वजह से इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1e आवेश होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा कि नाभिक पर जो होगा कुल आवेश प्लस 1e होगा और सतह पर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और ये इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक संतुलित रहता है प्रबल वैद्युतीय आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो संतुलन शब्द यह निर्धारित करता है कि यहाँ पर परिमाण में ये बराबर होंगे, तो ये 1e है तो ये भी 1e होगा इलेक्ट्रॉन पर भी। और चिन्ह के लिए आकर्षण शब्द दर्शाता है कि आवेश कैसे रहे होंगे, विपरीत होंगे। तो अगर नाभिक पर आवेश प्लस ई है तो ये माइनस 1e हो जाएगा। क्लियर। और दूसरी चीज, ये क्वार्क थ्योरी से जो नाभिक पे पाए जाते थे इसी के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क की एक और श्रेणी में आ जाएगा जो जिसका द्रव्यमान इनके द्रव्यमानों से भी और अति सूक्ष्म होता है, जिसे हम लैक्टॉन बोलते हैं, क्वार्क की नई श्रेणी लैक्टॉन। ओके, तो ये प्रोसेस से हम इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इस चीज की पुष्टि कर पाते हैं। क्लियर। अब आइए देखते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी के द्वारा आवेश का कैसे परीक्षण करते हैं कि आवेश कैसा है। तो देखिएगा, ये एक स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। यहां पर एक कांच का एक जैसे एक पात्र है ये इस तरीके से, इसमें एक धातु एक छल लगा देते हैं छड़, और इसमें क्या करते हैं कि एक स्वर्ण पत्री यानी बहुत ही पतली शीट टाइप की होती है सोने की, जिसको वी के आकार में यहां पर लटका दिया जाता है। ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि इस पर धन आवेश है, तो इस तरीके से ये लटके हुए है, और जैसे ही हम कोई छड़ इसके संपर्क में लाते हैं, इसको टच करते हैं ये कोई छड़, और हमें ज्ञात करना है कि इस पर कैसा क्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखिएगा, इसकी प्रारंभिक अवस्था हमने देखी ये छड़ की, ये है इस तरीके से, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इस छड़ को जैसे ही संपर्क में लाएं और ये छड़ और फैल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जैसा आवेश पहले था उसी तरह का आवेश और बढ़ गया, तभी ये प्रतिकर्षण की मात्रा बढ़ जाएगी। तो देखिएगा, पहली पोजीशन दिए थी, अब क्या हो गया, और फैल गया, इसका मतलब कि इस छड़ में कैसा आवेश था, धनात्मक। और अगर ये जी पत्तियां अगर सिकुड़ जाए, पहले से भी कम हो जाए, इस तरीके से हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें पहले धनात्मक आवेश था, तो अब क्या हो गया, इसमें कुछ विपरीत प्रकृति का आवेश आ गया, जिसकी वजह से आकर्षण बन गया। ओके, आकर्षण प्लस और माइनस क्या होगा, आकर्षित करेगा, ये प्लस इस वाले माइनस को और ये प्लस इस वाले माइनस को खींचेगा, तो ये आकर्षित होने से और चिपक जाएंगे, पास में आ जाएंगी, तो पहले की तुलना में क्या हो गया, और कम हो गया। देखिए, तो अब क्या हो गया, इससे ये चीज निर्धारित होती है कि इस छड़ पर कैसा आवेश था, ऋण आवेश। ये कांच का एक पात्र होता है जिसमें कोई धातु छड़ इस तरीके से लगा देते हैं, और इसके अंतिम छोर पर हम एक स्वर्ण पत्री दो पत्तियां जी जी लगा देते हैं, जो वी की आकृति में है। जैसे हम जिस छड़ का आवेश ज्ञात करना होता है उसको इस धात्विक छड़ के संपर्क में लाते हैं, अगर ये पत्तियां और ज्यादा फैल जाएं, तो इसका मतलब जैसा पूर्व में इस धात्विक छड़ में आवेश था वैसे ही है, अगर ये प्लस था तो प्लस ही इसमें और बढ़ गया, इसका मतलब ये छड़ पर धनावेश है, और अगर ये स्वर्ण पत्तियां और सिकुड़ जाएं, इसका मतलब पहले से उल्टा आवेश आ चुका है, यानी इसका मतलब इस छड़ पर ऋण आवेश है। तो इस प्रकार से हम इसमें आवेश की प्रकृति यानी धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश छड़ पर
ज्ञात कर सकते हैं। ओके।